एक आखिरी बार। नहीं, ये कोई ऐड नहीं है, आप सही जगह पर ही हो। बस एक बार देख लो ताकि बार बार देख सको कि ये आखिरी बार है। चलो एक और बार करते हैं। म्यूजिक फिर एक बार करने गया तो चोटी अटक गई। हाँ जी गाइस, तो राम राम भाइयों, स्वागत है आप सब लोग का एक जबरदस्त व्लॉग के अंदर। तो गाइस आज फाइनली अपन हेयर कट कराने वाले हैं। हाँ गाइस, हाँ आज सच में हेयर कट होने वाला है। अभी मजा आएगा ना। और आज समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो आज इनका लास्ट डे है तो सोचा थोड़ा बहुत फोटो शूट करते हैं, थोड़ा क्रेजी क्रेजी फोटो शूट। पापा ने भी कहा था कि ये आखिरी बार है तेरा लंबे बाल छोड़ने के, इसके बाद बाल बढ़ाने नहीं है। अगर मैं बिना कटाए अगर घर पे भी जाऊंगा ना तो पप्पा मेरे बाल काट देंगे। वो हल्क कैसा उठा के पटकता। तो चलो भाई थोड़ा बहुत फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फोटो निकालते हैं अभी। चलो दर्शन कर लो मेरे बाल आगे, मतलब देख लो, तसल्ली कर लो, क्योंकि इसके बाद आप मुझे पहचान क्योंकि इसके बाद आप मुझे पहचान पाओगे कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन मैं अगर सो देखते। सो दैट्स इट गाइस, इस बालों को अलविदा कहने का समय आ गया है। अभी नेक्स्ट शॉट होगा टकला टकला कृष्णा के साथ में। कोई कमेंट के अंदर टकला नहीं बोलेगा अभी, बता दे रहा हूँ, वरना मैं छोड़ दूंगा यूट्यूब। तो ये है मेरा आखिरी वीडियो लंबे बालों के साथ में, इसके बाद आप देखोगे टकला कृष्णा को। लेकिन एक सेकेंड, तो हाँ जी गाइस रुको, पहले टकला कृष्णा को बाद में देखना, पहले मुझे लाइव देख लो। ऑलमोस्ट 2 हफ्ता हो गया इस वीडियो को बनाते हुए, बहुत नर्वस हो गया था यार, अभी भी फिलहाल नर्वस ही हूँ। तो पहले बात करते हैं कि मैंने इतने लंबे बाल क्यों छोड़े और मैंने कितने टाइम तक छोड़े और मैंने क्यों एक भी हेयर कट नहीं कराया, क्योंकि एक्चुअली गाइस मेरा मन्नत था, क्यों मैंने जो मन्नत रखा था एक्चुअली वो 1 साल का ही मन्नत था, वो आगे आगे 2 साल हो गया, फिर तिरुपति जाने के लिए लेट हो गया तो वो 3 साल का हो गया, तो जस्ट लाइक दैट। और बात रही मेरे हेयर कट की, तो मैंने एक सिंगल बाल भी मैंने नहीं कट किया है। और रही बात वो बाल झड़ गए वो अलग है, लेकिन मैंने एक सिंगल बाल भी नहीं कट किया है, तो 3 साल से वही हो गया। लास्ट मैंने हेयर कट कराया था 2021 अक्टूबर में, अभी ये कल अक्टूबर आएगा तो पूरा 3 साल कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। एक्चुअली अगस्त में ही कराया था मैंने, सॉरी सितंबर में ही कराया था, तो बैलेंस कर लो गए तो टोटल मुझे 3 साल हो गए। और पहला कारण था मेरा वो, उसका रीजन आप इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मैंने जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैंने एक मतलब क्या बोलते हो प्लेज टेप लेते हैं ना, तो तब मैंने कह दिया था बस ऐसे ही कि जब तक मैं पतला नहीं हो जाऊँगा या फिर एक अच्छे शेप में नहीं आ जाता तब तक मैं हेयर कट नहीं कराऊँगा, तो तब से ही मैंने छोड़ दिया था। और जैसे ही मेरा 75 कंप्लीट हो गया तो मैंने डिसाइड किया कि हेयर कट कराते हैं, तो उसके बाद तुरंत ही श्रावण महीना आ गया। फिर बाद में मैंने ऐसे ढीला छोड़ दिया, फिर बाद में बेंगलुरु चले गए कुछ पर्सनल काम की वजह से। फिर बाद में जब सेकंड 75 चालू किया तो उसको हमने तकरीबन 150 डेज तक की किया, उसके बाद बेंगलुरु फिर आना जाना बहुत लगा था तो वहीं पर फेल हो गया चैलेंज, सो सॉरी फॉर दैट। फिर वहाँ पर फिर एक बार श्रावण मंथ आ गया, फिर वहाँ से भी हेयर कट कराना हुआ थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर बाद में ऐसे ही ढीला छोड़ते आज कराएंगे कल कराएंगे करके फाइनली तिरुपति में जाके बाल दान कर दिया मैंने। तो 3 साल का मेरा मन्नत था, तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट साल में ही निकालने वाला था और मेरा कुछ वैसा था भी नहीं, जस्ट रैंडमली ऐसे छोड़ते गया, वो बढ़ते गए इतने लंबे बाल हो चुके थे भाई, इतने लंबे बाल भाई खैर कोई छोड़ता भी नहीं, लेकिन मैं छोड़ दिया। तो गाइस ये रहा मेरा कंपेरिजन
ये है मेरे 3 साल पहले का फोटो और ये है मेरा अभी का फोटो। ये मेरे जिम ज्वाइन करने से पहले का है, और ये मेरे जिम ज्वाइन करने के बाद में का है, और ये मेरा फर्स्ट 75 का है, और ये मेरा सेकंड 75 का, और ये कटिंग कराने से पहले का फोटो है ये, और ये अभी का फोटो मतलब। और अभी मैं फिलहाल ऐसा कुछ देखता हूँ, पहचाने की नहीं कमेंट करके बताओ गाइस। और बात रही गाइस रिएक्शंस की, तो इस चेहरे को देखने, लेकिन फिलहाल अभी बाल तो आ गए, लेकिन जब मैं पूरा टकला था और फोटो था बाद में, रो रो स्किप मत करो, बाद में जाके देखना। हाँ तो गाइस रिएक्शन का कुछ ऐसा था कि मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोग को पता चल गया था, और ये बात मुझे पता नहीं थी कि उन लोग को पता चल चुका है। मैं पूरा बिंदास हूँ भाई, इन लोग को कुछ पता नहीं है, मैं जाके सरप्राइज दूंगा, ऐसा ऐसा सो एंड सो मेरा प्लान था। उनमें से हर एक बंदा मुझे कॉल करके पूछ रहा था, पहले रॉबर्ट ने कॉल किया, फिर साजिद ने कॉल किया कि भाई तूने कटिंग कराया नहीं। मैंने कहा भाई मैंने नहीं कराया, मैंने सिर्फ 5 बाल दान किए, मैं वाड़ी में आके कुछ ऐसा एस्थेटिक टाइप कटिंग कराऊंगा, ऐसा मैंने बोल के ये कर दिया। लेकिन उन लोग को पता चल चुका था गाइस, कैसे वो स्टेटस वगैरह देख के, मम्मी लोग का स्टेटस देख के उन लोग को पता चल चुका था। तो वो लोग, मेरा प्लान था कि भाई उन लोग के घर घर जाऊंगा, प्रसाद दूंगा, उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन उन लोग ने मेरी ही फिरकी ले ली। मैं कुछ काम से थोड़ा बहुत बाहर गया, वो लोग आ गए मेरे घर पे और उल्टा मुझे ही शॉक कर दिया, मैं रिएक्शन ही रिकॉर्ड नहीं कर पाया गाइस उन लोग का। मतलब उन लोग को पता था ऑलरेडी, उन लोग को पता चल चुका था ऑलरेडी मैंने कटिंग करा लिया। सो ऐसा हो गया फ्रेंड सर्कल का, तो किसी का भी रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और गाइस रिएक्शन सबके क्रेजी थे, रिएक्शन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया लेकिन रिएक्शन सबके क्रेजी थे, मतलब अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस थे। कुछ लोग तो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे, मतलब जिन लोगों ने मुझे बिना बेड के और छोटे बालों के साथ में पहले देख रखा है वो आसानी से पहचान जा रहे थे, और जिन लोगों ने मुझे लंबे बाल के साथ में मतलब देखा है तो वो लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे गाइस। ऐसा है, शायद इस वीडियो को देखने के बाद पहचान जाओ। जाओ जाओ जाके टकला कृष्णा को देखो पहले, लेकिन डर मत जाना। सो दिस इज हाउ आई लुक नाउ, फाइनली आफ्टर 2 इयर्स हो गया कल्याण, 3 साल के बाद फाइनली बाल चले गए, दाढ़ी चली गई, मुझे चले गए, सब चले गए, सब चले गए। अब नेक्स्ट टाइम जब खड़ा रहेंगे तो तब कैसा दिख रहा है, मैं अभी जरा देख के आपको रिएक्शन बता। तेरा कितना ओ, कल की पिक्चर के अंदर सुप्रीम यास्किन था ना गाइस विलन, तो सेम उसके सर का ही दिख रहा हूँ मैं भी। आपका क्या रिएक्शन है? यही था मेरा कारण लंबे बाल को अब तक रखने का, तो और कोई कारण नहीं था, मन्नत था, इसलिए मैंने कटिंग नहीं कराया। और आप लोगों का क्या रिएक्शन से, मुझे सभी लोगों का रिएक्शन अपने कमेंट के अंदर बताओ गाइस। टकलिया बोलना है टकलिया बोलो, कमेंट के अंदर जाके बोलो कैसा लग रहा क्या नहीं। थोड़े जान लग रहा कमेंट भी किया था कि जैसे कि भाई आपने दाढ़ी खड़ा लो, भाई यू नीड अ न्यू हेयर स्टाइल, भाई आपको कटिंग कराना चाहिए समथिंग। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मैं मतलब मन्नत था, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये इसने ऐसे ही जोड़ा ऐसा जोड़ा, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं था गाइस, आप लोग को पता ही है। सो दैट्स इट गाइस, नीचे कमेंट करके बताओ आप लोग का रिएक्शन कैसा था। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे तिरुपति और भी वीडियोस आने वाले हैं। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ये नोड़ा करती थे, टाटा बाय बाय।